तस्वीर है लाश की। मेरा नाम साइम है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरे वालिद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ थी। जब मैं छोटा था अपनी वालदा के हमरा एक दुकान पे गया। क्या ये बेटा? मामा मुझे ये चाहिए। बेटा अभी तो आपको पता है ना कि जो मेरे पास पैसे हैं वो आपके स्कूल फी के लिए हैं, तो मैं आपको आपकी बर्थडे पे निकल दूंगी, इससे ज्यादा गिफ्ट्स लेकर। ये खिलौना ले दे मुझे। बेटा प्लीज जिद ना करो, मैं आपको ले दूंगी ना बर्थडे। नहीं पे। मुझे यही चाहिए और अभी चाहिए। बेटा अनद बात, ऐसे जिद नहीं करती। आ जाओ। मेरी माँ के मरने के बाद मेरी परवरिश अंकल अशरफ ने की, जो हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। कमरे की क्या हालत बना के रखी है? मैं तुम्हें कितना बार कह रही हूँ उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं पागल नहीं हूं। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मैं तुम्हें पागलखाने में दाखिल करा दूंगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये भलाई उनके गले का फंदा बन जाएगी। कुछ अरसे बाद मेरी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, डॉक्टर खतीब। हाँ भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे क्या बीमारी है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है जिसमें हेलुसिनेशंस होती हैं और इंसान को वो चीज़ें नजर आती हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती। तुम हकीकत हो या तुम भी मेरी कोई ख्याल हो? ये बात तुम छोड़ दो कि मैं हकीकत में हूँ कि मैं ख्याल हूँ। तुम ये मुझे बताओ कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? जब मैं छोटा था मेरी माँ को कत्ल कर दिया था, मैं अपनी माँ को वापस जिंदा देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकता हूँ? ये हो सकता है? ये नामुमकिन है। हर चीज मुमकिन है अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा। मुझे क्या करना होगा? देखो साईं, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत है। तुम्हें अमावस की रात को दो औरतों का कत्ल करना होगा। मैं उनकी रूहों से तुम्हारी माँ को वापस ले आऊंगा, और याद रहे कि ये अलग अलग रात को करना होगा। ये मुमकिन है? तुम बस वो करो जो मैं। Thank you.
पास लाइटर होगा? आप यहाँ आती जाती रहती हैं? जी जी, मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ। आप कभी आपको देखा नहीं? अच्छा, इत्तेफाक की बात है, मैं तो यहाँ आती जाती रहती हूँ। करती क्या है वैसे आप? मैं एक्चुअली पार्ट टाइम जॉब करती हूँ पिज़्ज़ा हट में। आप क्या करते हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक्स का काम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बाकी चल सो चल। अच्छा, तो आप रहती कहाँ पे हैं? सारा अकेली रहती थी, उसके आगे पीछे कोई ना था और मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल दिन में आप फ्री हैं? कल दिन में तो यूनिवर्सिटी है, शाम में फ्री हूँ मैं। तो कल कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं अगर आप ओके फील करो तो। आप मुझे ऐसा करें कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, साथ कोऑर्डिनेट कर लूँगा। ओके, अभी तो मैं निकलना है मुझे, तो मैं आपसे कल मिलता हूँ, ठीक है? ओके। कैसी हो? I'm good. आप बताओ। Perfect. Order किया कुछ? नहीं, अभी तक नहीं किया। Wait कर रही थी मैं आपको। अच्छा, क्या पियोगी? Anything you like. अच्छा सारा, मुझे ये बताओ कि आप जो स्टडी कर रही हो, किस चीज़ की स्टडी कर रही हो? मैं आर्किटेक्चर में स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। मैंने एक, मेरा एक क्लाइंट है, वो मुझे जिससे ना काम मांग रहा है, एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन का ना, तो वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हो। तो तुम फ्री हो? हाँ, मैं आज रात फ्री हूँ। आज रात नहीं, कल रात हाँ, कल रात भी फ्री हूँ मैं। ठीक है, कल रात को ना तुम्हें थोड़ी मेरी तरफ आना पड़ेगा, तो यू नीड टू हेल्प मी आउट। ओके, श्योर। सारा तुम बैठो, मैं लिए कॉफी बना गया। कॉफी पियोगी ना? हाँ हाँ, कॉफी तुम ऐसा करो कि तुम कॉफी पियो, मैं प्रपोजल और लैपटॉप लेकर आऊँ। हाँ, तुम ले आओ। ओके।
मैं काफ़ी देर से वहाँ बैठा हुआ आपको देख रहा था। आप कुछ परेशान लग रही हैं, कोई परेशानी है आपसे मतलब? हो सकता है मैं आपको कोई काम आ सकूं। आपको पहले यहाँ पे कभी देखा नहीं है, आप नहीं है यहाँ पे? जॉब के लिए आई थी लेकिन अब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं देखा मेरे। मेरा एक दोस्त है, शायद वो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सके। आर यू श्योर? आई कैन ट्राई माई बेस्ट। आप मुझे अपना नंबर दे दें तो मैं देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हेलो साईं, मेरी जॉब लग गई यार, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब लग गई। हाँ मैं आके मिलती हूँ तुमसे। ओके। दिन गुजरते गए और मुझे कब समन से मोहब्बत हो गई मुझे खुद पता नहीं चला। आखिर वो रात आ गई जो मेरे लिए कयामत की रात थी। तुम्हें कितनी देर है? यार मेरा प्रोजेक्ट लंबा है, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे नींद आ रही है। आप ऐसा करो अंदर जाके सोचो, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके। कर दिया मैंने कत्ल अपनी मोहब्बत का। मैं मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी माँ को जिंदा कर दोगे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कौन सा वादा साईं? मैं तो सिर्फ वो हूँ जिससे तुम अपना सब कुछ खोया हुआ वापस हासिल करना चाहते हो। सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर हूं। मैं मगर डॉक्टर डॉक्टर
डॉक्टर खतीब, डॉक्टर सर, वो डॉक्टर खतीब को पता चला? इंसान को कोई नहीं मार सकता सिवाय उसकी सोच के।